अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टिकटॉक पर आईडी कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप टिकटॉक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस, यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, यूज़र, फोन और ईमेल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद ट्विटर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल नंबर पर बनाना चाहते हैं तो यूज़र फ़ोन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद फेसबुक पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, मैं यहां से कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो जीमेल आपने बनाए हुए होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं और उसके बाद आपको यहां से एक जीमेल सेलेक्ट कर लेना है, जिस जीमेल पर आप अपना आईडी बनाना चाहते हैं। तो यहां से मैं एक जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूं। फ्रेंड, जीमेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना बर्थडे दे देना है। तो चलिए, यहाँ से मैं बर्थडे दे देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी बर्थडे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड, यहां से आप अपने आईडी का नेम रख दें, जो भी आपका नेम है वो नेम यहां पर रख दें। तो फ्रेंड, यहां से मैं अपना नेम दे देता हूं। फ्रेंड्स, नेम देने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। फ्रेंड, साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास टिकटॉक ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, उसके बाद आपको मी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो आईडी है वो बिल्कुल बन चुका है। अगर आप अपने आईडी पर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहां पर लिखा होगा एडिट प्रोफाइल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड, यहां पर लिखा होगा चेंज फोटो, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो फ्रेंड, यहां पर लिखा होगा सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको कोई एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं हमारे आईडी पर जो पिक्चर है वो लग चुका है। अगर यहां से आप अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक देना चाहते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपना आईडी बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।